इस फिल्म की शुरुआत होती है बॉबी ग्रेडी से। बॉबी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। उसका एक इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है। इसे चलाकर वो अपनी फैमिली के खर्चे निकालता है। फिलहाल वो एक ग्रुप थेरेपी सेशन में आया है। इसकी वजह है उसकी वाइफ एमी। एमी को अब बॉबी के साथ संभोग में इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसे में शादी का वजूद भी ख़त्म होता जा रहा है। बॉबी को डर है कि अब उसकी वाइफ उसे छोड़ ना दे। कहीं ऐसा ना हो कि एमी अब किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। हर हस्बैंड की यही तो दिक्कत है। पहले शादी के लिए पार्टनर ढूंढो, फिर उसे खुश रखने के लिए अपने आप को झोंक दो। बॉबी बताता है कि उसकी शादी को 11 साल हो गए हैं। वो कहता है कि उसने कभी भी अपनी वाइफ को चीट नहीं किया। बॉबी ये भी बताता है कि वो पार्ट टाइम सर्विलांस का काम करता है, यानी वो कस्टमर्स के रिक्वेस्ट पर स्पाई भी कर लेता है। इसके बाद हम एक लेडी को एक मर्द के साथ मुख मैथुन करते हुए देखते हैं। ये कपल बड़े अजीब तरीके से संभोग करते हैं। कई लोग तो बड़े शौक से इन्हें संभोग करते हुए देख रहे हैं। इस दौरान यहाँ अंग प्रदर्शन के बजाय कपड़ों का प्रदर्शन किया जा रहा है। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम जोआना क्रेन है। जोआना दरअसल फैशन डिजाइनिंग हाउस के लिए काम करती है। जोआना इस फैशन हाउस से कपड़े के पैटर्न को चुराती है, फैशन हाउस के कॉम्पिटिटर से मिलती है, उन्हें ये पैटर्न्स बेचती है और ढेर सारे पैसे कमाती है। अगली रात जोआना एक क्लब में जाती है। यहाँ एक बूढ़ा शख्स अचानक से जोआना पर झपट्टा मारता है। वो जोआना के साथ ज़बरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाता है। शुरू में तो लगा कि जोआना के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, फिर हमें पता चलता है कि जोआना खुद इसके लिए राजी थी। उसे ऐसे ही अपने साथ संभोग करवाना अच्छा लगता है। उसे इस तरह से संभोग करने में मज़ा आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा शख्स भी फैशन हाउस के कॉम्पिटिटर्स में से एक है। इधर हम बॉबी को देखते हैं जो कि एमी के पास लौटा है। एमी बॉबी से कहती है कि बॉबी को एक नॉर्मल जॉब करनी चाहिए, इस तरह के स्पाइंग के काम से भला उसे क्या मिलेगा। पर बॉबी एमी की बातों को तवज्जो नहीं देता, वो खाने में बिजी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बॉबी के दो बड़े प्यारे से बच्चे हैं। इनकी फैमिली परफेक्ट फैमिली लग रही है। बॉबी के बच्चे बॉबी से लड़ते हुए खेलते भी हैं। इसके बाद बॉबी को एक फ़ोन आया है। उसे ये फ़ोन उस फैशन हाउस की तरफ से आया है जिसके लिए जोआना काम करती है। अब बॉबी को जोआना की स्पाइंग करनी है और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन फैशन हाउस के ओनर को देनी है। ओनर अपने ऑफिस में बॉबी को बुलाकर कहता है कि 20 सालों से वो बिजनेस को रन कर रहा है, पर कुछ समय से उसकी कंपनी के सेल्स गिर गए हैं। वो बॉबी को कंपनी का टूर भी कराता है और समझाता है कि उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो ये जानना चाहता है कि जोआना किस किस से कब मिलती है, क्या बातें करती है। यह हमें पता चलता है कि जोआना एक डिवोर्सी है, अकेली रहती है, पर वो बड़ी एम्बिशियस और मनी माइंडेड है। अब बॉबी ने जोआना की जासूसी करनी शुरू कर दी है। जोआना एक कैब पकड़ती है। बॉबी उसका पीछा करता है। वो देखता है कि जोआना एक क्लब में गई है। इसके बाद जब बाहर वो निकलती है तब उसके कपड़े बदले हुए हैं। यहाँ की गलियों में एक वेश्या के तौर पर वो खड़ी है, यानी जोआना एक वेश्या के तौर पर भी काम करती है। बॉबी जोआना की फिल्मिंग करनी शुरू करता है। इतने में एक वेश्या आकर बॉबी से कहती है, चलता है क्या। बॉबी उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। इधर जोआना एक शख्स के साथ कमरे में है। वो गेट से उसे संभोग करने की इच्छा जाहिर करती है। जोआना के हफसीपन से वो शख्स डर जाता है। जोआना को संतुष्ट करने के लिए वो शख्स एक इंस्ट्रूमेंट भी लाया है। जोआना को ये इंस्ट्रूमेंट पसंद नहीं आया। वो उसे काफ़ी कुछ उल्टा सीधा सुनाती भी है। बॉबी बालकनी से इन सब की स्पाइंग किए जा रहा है। वो छिप कर जोआना के कमरे को देखता है। यहाँ टीवी पर एडल्ट फिल्म लगी हुई है। अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हैं। एक कामसूत्रा टाइप की डायरी है जिसमें संभोग के अलग अलग पोजिशंस की ड्राइंग है। बॉबी तो बस ये पता लगाने आया था कि जोआना फैशन हाउस की डिज़ाइन लीक करती है या नहीं, पर वो तो बड़ी हबसी किस्म की औरत निकली। यहाँ बॉबी को पता चला कि जोआना ड्राइंग के हिसाब से कई अडल्ट फिल्में लाती है और उन्हें देखकर अपने अलग अलग पार्टनर से जिस्मानी संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करती है। इस अडल्ट वीडियो में बड़े हिंसक तरीके से संभोग किए जा रहे हैं। ये सब देखकर बॉबी डिस्टर्ब हो गया है। वो ये भी फाइंड आउट करता है कि जोआना वेश्यावृत्ति का काम चाइना ब्लू के नाम से करती है। इसके साथ ही वो खुद का भी फैशन हाउसिंग का एम्पायर बनाती जा रही है। वो भड़काऊ किस्म के कपड़े, प्लेटिनम विग, ये सब धीरे धीरे खुद ही सेल करती जा रही है, अपनी खुद की कंपनी बढ़ाती जा रही है। बॉबी ने फैशन हाउस ओनर से मुलाकात तो की, पर जोआना के इस डबल लाइफ के बारे में बताया नहीं। उसके इरादे कुछ और ही हैं। अगले दिन वो जोआना से मिलने पहुंचा है। वो कहता है कि उसके पास सिर्फ $50 हैं, पर ये उसका फर्स्ट टाइम है, उसने कभी संभोग नहीं किया। जोआना कहती है कि वो इस समय इतनी कामुक है कि वो फिलहाल फ्री में भी संभोग करने के लिए तैयार है। म्यूजिक ऑन करके जोआना बॉबी के लिए ड्रिंक लाई है। बॉबी को वो एक कैप्सूल खिलाती है। इसके बाद वो अलग कॉस्ट्यूम में बॉबी के सामने आती है। इन सब के बाद धीरे धीरे खुद को वो वस्त्रहीन करना शुरू करती है।
फिर दोनों यहाँ रात भर धुआंधार संभोग करते हैं। बॉबी अपनी फैमिली के पास पहुँचा है, अपने बच्चों के होमवर्क को चेक करता है, पर उससे गिल्ट भी हो रहा है। इधर जोआना ने नए नए क्लाइंट ढूंढने शुरू किए हैं। उसे एक अमीर क्लाइंट जो कि लिमोजीन में आया है उसमें बिठाता है। यहाँ उस क्लाइंट के साथ उसकी वाइफ भी है। वो दोनों मिलकर चाइना ब्लू के साथ थ्रीसम करना चाहते हैं। जोआना का ही एक साथी है जो कि यहाँ की स्ट्रीट में यहाँ के वेश्याओं को जोआना के प्रोडक्ट सेल करता है। वो उन्हें कुछ केमिकल्स भी बेचता है जिससे लड़कियों को यह वेश्यावृत्ति का धंधा करने में, अलग अलग मर्दों से संभोग करने में आसानी हो जाती है। हम देखते हैं कि वो बाइबल के साथ एक बैग भी रखता है और इसमें संभोग करने वाले टॉयज को सेल करता है। इसका नाम पीटर है। पीटर को ये रियलाइज़ होता है कि जोआना अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है। उसे समझाने की कोशिश करता है पर जोआना कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे पैसे कमाने हैं, सबसे अमीर बनना है। बॉबी और जोआना की मुलाकातें होती रहती हैं। बॉबी इन सब से बड़ा बदल गया है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है। आज तो उसने हद ही कर दी। आज जब एमी अपने दोस्तों के साथ है तब बॉबी नग्न अवस्था में आता है, अपने पैरों पर बॉल्स को बांधकर अश्लील हरकतें करने लगा है। एमी तो अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई है। रात को बॉबी एमी से कहता है कि वो तो बस मैजिक एक्ट कर रहा था। एमी यहाँ रोती है कि बॉबी कब नॉर्मल होगा। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी शादी अब टूटने के कगार पर है। पीटर चर्च में रेवरेंट भी है। जब वो देखता है कि जोआना अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है तब वो उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है, पर जोआना को अब इस खेल में मज़ा आने लगा है। अपने क्लाइंट्स के साथ जोआना और भी हिंसक तरीके से संभोग करती है। वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है। वो दरअसल चरम सुख को ढूंढ रही है पर उसे ये संभोग में मिल नहीं रहा। वो सोचती है कि शायद वो और हिंसक तरीके से इसे करे तो उसे चरम सुख मिल जाएगा। उसे एक बूढ़ा क्लाइंट मिला है। जोआना उसे भी संभोग का सुख देती है। कुछ टाइम के बाद बॉबी जोआना के पास पहुंचा है। वो कहता है कि अब वो अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए जोआना के पास आना चाहता है। जोआना इन सब से इनकार करती है। वो कहते हैं कि उसे लवर की ज़रूरत नहीं है। जोआना कहते हैं कि वो चाइना ब्लू जब बनती है तब उस होटल कमरे में उसे वो सब कुछ मिल जाता है जो उसे चाहिए, उसकी सारी डिजायर्स पूरी हो जाती हैं। जोआना बनकर वो यहाँ एक नॉर्मल लाइफ जीती है। इस तरह वो डबल लाइफ जी रही है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बॉबी यहाँ कहता है, जो सुख तुम्हें चाइना ब्लू बनकर मिलता है उस होटल में, मैं तुम्हें यहाँ जोआना रहते हुए भी दे सकता हूँ। इसके बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। दोनों इसके बाद धुआंधार संभोग करते हैं। अगले दिन बॉबी से एमी कहती है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, अकेले रहना आसान नहीं होता, अब इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहती है। पर अब बॉबी का मूड बदल गया है। वो एमी को अवॉइड करने की कोशिश करता है। एमी समझ जाती है कि बॉबी का अफेयर चल रहा है। बॉबी इस समय जोआना के पास पहुंचा है। जोआना कहती है कि वो रिलेशनशिप से बोर हो चुकी है, वो भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है पर इसमें कुछ भी नहीं रखा, इस नॉर्मल लाइफ में तो और भी टेंशन है। अगले दिन पीटर अपने रिलीजियस रिचुअल से जोआना को हील करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, जो सुख तुम इस संसार में संभोग में ढूंढ रही हो नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ बेचैनी मिलेगी, तुम्हें ये डबल लाइफ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने रिचुअल्स को जोआना पर परफॉर्म भी करता है। जब जोआना इन सब से इनकार करती है तब पीटर उसके साथ हिंसक होता है। वो उस इंस्ट्रूमेंट को निकालता है जिसे इन्होंने सुपरमैन नाम दिया है। सुपरमैन से वो जोआना को धमकाते हुए बांध देता है। जोआना को रस्सियों से बांधने के बाद पीटर भी पियानो बजाना शुरू करता है। वो यहाँ एक गाना गाया जा रहा है बिल्कुल एक साइकी की तरह। उस गाने को गाते हुए जोआना को हील करना चाहता है। जोआना का हाथ खोलकर वो सुपरमैन को जोआना के हाथ में थमाता है और कहता है कि तुम इससे मुझे मार दो, तुम आज़ाद हो जाओगी। वो बड़े अजीब तरीके से चाइना ब्लू को उकसाते हुए कहता है, तुम मुझे मार दो, इससे तुम्हारे अंदर का गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम नॉर्मल हो जाओगी। इतने में बॉबी यहाँ पहुँचा है। जब गेट कोई खोल नहीं पाता तब वो CID के दया के स्टाइल में दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है। अंदर तो बड़ा अजीब नज़ारा है। पीटर चाइना ब्लू के ड्रेस में बैठा है। जोआना एकदम से पीटर पर अटैक करती है, उसे मार देती है। पीटर मरते हुए कहता है, गुड बाय चाइना ब्लू। इसे वो दर्शाना चाहता है कि जोआना ने चाइना ब्लू को मार दिया है, अब उसे दोबारा चाइना ब्लू बनने की ज़रूरत नहीं है, वो अब जोआना बनकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती है। इस तरह पीटर ने खुद को कुर्बान करके जोआना को रिहा कर दिया। एंड के सीन में हमें बॉबी थेरेपी सेशन लेते हुए दिखता है। वो कहता है कि उसने एमी को छोड़ दिया है, जब रिश्ते में प्यार नहीं रहा तब उसे छोड़ देना बेहतर था, अब वो जोआना के साथ है, दोनों नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और ये फिल्म इसी नोट पर समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।